कि आप थिएटर से आए, एनएसडी से आपने पढ़ाई पूरी की, आप वहाँ तक मुंबई तक पहुँचे, थिएटर में आपने किस तरह की भूमिका निभाई है? बहुत सारी भूमिकाएं आपने निभाई होंगी, और उनमें से, चूंकि मैंने नहीं देखी, लेकिन इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं और मेरे जो दर्शक हैं इस वक्त जो देख रहे हैं हमें, वो जाने कि हाँ, एक कलाकार जो आज मुंबई में है, जो आज बॉलीवुड हॉलीवुड सब जगह इतना फेमस है, मशहूर है, वो कलाकार जब थिएटर में था तो वहाँ भी कई सारी रोल जो है, कई सारे अलग अलग किरदार निभा करके यहाँ से गया है। बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा आपने। मैं 13 साल 14 साल की उम्र से एक्टिंग कर रहा हूँ ब्रदर। और वाह, अगर हम लगभग लगभग थिएटर, नुक्कड़ और वो चरित्रों के माध्यम से सिर्फ ये जीने का मौका मिला कि 90% फिल्मों नाटकों में हमेशा लीड रोल करने का मौका मिला। वाह क्योंकि जहां राजपाल फिट होते थे वहां दूसरा फिट नहीं होता, और जहां दूसरा फिट होता था वहां राजपाल फिट नहीं होते थे। अब जैसे अब चाहे लखनऊ का अबू हसन, माने खास बादशाही एक प्ले था जिसमें अबू हसन की भूमिका की, जी या दो कश्तियों का सवार, द सर्वेंट ऑफ टू मास्टर्स, बोधोनी का प्ले था, नाटकों में मुख्य भूमिका करने का सौभाग्य मिला। उसकी वजह से आज अगर किसी फिल्म में चार सीन भी हैं तो हम कलाकार लोग हैं। कभी कभी टेस्ट खेलते हैं, और कभी कभी आईपीएल में बगैर देखे आके 4 ओवर फटाफट मारने लगते हैं। तो हम लोग भी ना, हम लोग आज फिल्मों में जो भी काम कर रहा हूँ, मैं अपनी दाई माँ, अपनी थिएटर को मानता हूँ, कि जिसकी वजह से एक सीन अगर किसी फिल्म में करने का सौभाग्य मिला या 10 सीन, मुझे कभी फील नहीं होता कि मैं सपोर्टिंग रोल कर रहा हूँ या छोटा रोल कर रहा हूँ। हमारे दिमाग में हमेशा ये रहता है कि आई एम अ लीडिंग मैन, और मैं इस सीन में मैं लीड कर रहा हूँ, बस अब उसमें मुझे बेस्ट करना है। तो कोशिश करता रहता हूँ कि जो भी ऊर्जा आप लोगों से थिएटर में मिली, बड़े अच्छे टीचर मिले जिंदगी में, बड़ा छोटी छोटी चीजें सिखाने का मौका मिला। सबसे बड़ी बात बताएं कि लड़के लड़कियां जो बहुत, जिनको जल्दी में बड़ा बनना है, एक्टर बनना है बड़ा, जी, लेकिन वो लोग ये भूल जाते हैं, मैं सिर्फ मैं कोई टीचर नहीं हूँ, और आपने, आपको किसी ने चूस लिया और आप गुठली बचे और आपको घूरे पे फेंक दिया, तो घूरे पे वो गुठली पहले तो सूखती है बिल्कुल, जब बहुत धूप लगती है, फिर थोड़े दिन बाद में बारिश होती है तो वो गुठली अंदर जाके सड़ती है, और सड़ने के बाद में उसी घूरे से एक ऐसा अंकुर फूटता है कि बड़ा सुंदर सा एक पेड़ जो है वो उसमें आ जाता है, और धीरे धीरे वो पेड़ 2 ही 3 साल में, 5 साल में 1,000 आम देने के लायक हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है पेड़ कितने बड़े बनोगे ये भूल जाओ, लेकिन बीज कितने अच्छे से पढ़ोगे और बीज कितने अच्छे से, बीज की तरह कितने अच्छे से उगोगे, इस बात पे जरूर ध्यान रखना। इसलिए कलाकार बनो या ना बनो, जो भी काम करना चाहते हो उसके बीज बहुत अच्छे।